मैरिड वुमेन को सिंदूर क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाई इन दिस हिंदू कल्चर ऐसा क्यों है कि सिंदूर लगाना मैरिड लोगों के लिए ज़रूरी है, वुमेन के लिए ज़रूरी है। और साथ में हमने सुना है कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, विडोज हो जाती है, उनको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यू नो। सो ये चीज़ जो है ये जानना बहुत से लोग चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बोला है साइंटिफिकली अगर गुरु दीदी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके तो हम इस बारे में इंटरेस्टेड हैं जानने में। तो मैं बहुत ही क्विकली दो तीन पॉइंट्स को कवर करूँगी ताकि सभी लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जब सिंदूर बनता किस तरीके से, दो तीन चीज़ों से सिंदूर बनता है और उसमें एक मेटल जो यूज़ होता है वो होता है मर्क्यूरी। ओके, अब जो मर्क्यूरी मेटल है वो ही मेन रीज़न है कि क्यों सिंदूर लगाना चाहिए मैरिड वुमन को। मर्क्यूरी क्या करता है, पहली बात सेंटर में जब यहाँ सिंदूर लगता है तो ये हमारे ब्रेन को दो भागों में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। तो इक्वली यहाँ पे सेंटर पे तभी लगाया जाता है ताकि वो इक्वली ब्रेन को डिवाइड कर दे। ओके, विच मीन्स योर इमोशंस एंड योर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ द माइंड टोटली बैलेंस्ड आउट हो जाए, बिकॉज मैरिड वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस शी गेट्स मैरिड, नए घर में जाना है, नए लोगों को समझना है, नए रिलेशनशिप समझने हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स और क्या नेचर है, क्या पसंद है, क्या नहीं है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं। सो दिस इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कैलकुलेशन दैट हर किसी को करनी होगी। स्पेशली ये ज़्यादा जो चीज़ जाती है, ये जो नया फैमिली मेम्बर आया है वुमेन उसके ऊपर जाती है। सो उसके लिए ये शार्पनेस ज़रूरी है। नाउ शार्पनेस डज नॉट मीन इन एनी ऑफ द नेगेटिव सेंसेस, शार्पनेस मीन्स घर को इंटैक्ट करके रखने के लिए, बॉन्ड बना के रखने के लिए, सबको एकजुट रखने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं, कई बार समझानी भी पड़ती हैं, कई बार स्ट्रिक्ट भी होना होता है और कई बार आराम से भी समझाना होता है, यू अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो कैलकुलेशंस हैं, और मोस्टली वुमेन घर पे रहती हैं तो उनको ये बैलेंस आउट करना घर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से रिलेशंस को बैलेंस आउट करना इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम शी कैन नॉट बी स्वीट एंड एवरी टाइम शी कैन नॉट बी एंग्री, शी हैज़ टू बैलेंस आउट थिंग्स। समटाइम्स काफ़ी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशंस जो है कि हमने कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किसकी बात को समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये सब मर्क्यूरी के अंदर आता है, मेटल मर्क्यूरी के अंदर आता है। उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हेल्प करता है इन सब चीज़ों को इन्हांस करने में, बेटर करने में। ओके, तो इसीलिए मर्क्यूरी जब हम लगाते हैं तो इन चीज़ों में हमें मदद मिलती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फिज़िकल लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमन जो मैरिज के बाद होती है। सो ये सेक्सुअल ड्राइव और फिज़िकल ड्राइव को भी इन्हांस करता है मर्क्यूरी मेटल। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मैरिड वुमेन को इंटरेस्ट क्योंकि हो इन चीज़ों में, ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ देयर मैरिड लाइफ ऑन द फिज़िकल एस्पेक्ट कैन बी वेरी गुड। तो इसलिए भी ये मेटल जो है उस चीज़ को इन्हांस करता है, उस डिज़ायर को इन्हांस करता है, उस फीलिंग को इन्हांस करता है, उस बॉन्डिंग को इन्हांस करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। अब आ जाओ, विडोज़ को क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो इसी का सेम आंसर जो है वो है क्योंकि जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो जनरली इट इज़ लाइक दिस दैट इन एंशिएंट टाइम्स दैट अब उसको फिज़िकल डिज़ायर्स की और सेक्सुअल ड्राइव की ज़रूरत नहीं है इन्हांस करने की, वरना फिर एक्स्ट्रा मैरिड लवर होंगे और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत सी जगहों पे। सो ऑल ऑफ दैट। ओके, तो इसलिए ही विडोज़ को मना किया जाता है ताकि उस मर्क्यूरी एलिमेंट से सिंदूर लगाने पे वो चीज़ जो है बड़े ना डिज़ायर्स जो है वो पैदा ना हो। ओके, वन ऑफ द थिंग्स। आप इस वीडियो के बाद कुछ लोग कहेंगे कि क्या जो लोग सिंदूरी लगाते हैं उनकी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होती दीदी, क्या जो सिंदूरी लगाते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी फैमिली से, क्या उनका दिमाग नहीं चलता, ब्रेन नहीं चलता। नहीं, हमें ऐसा नहीं कह रही, ऑफकोर्स चलता है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की कि सिंदूर लगाने के, सिंदूर क्यों लगाया जाता है साइंटिफिकली। तो उसमें उसका मैंने ये जवाब दिया। आप जो नहीं भी लगा रहे या जो लगा भी रहे हैं, फॉर दैट मैटर बहुत सी चीज़ें, सिर्फ ये चीज़ नहीं डिपेंड करती, और भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, खुद का नेचर भी डिपेंड करता है और बहुत से स्टार्स डिपेंड करते हैं, बट ये एक जो चीज़ है हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई डिबेट नहीं करना चाह रही हूँ मैं, या दो भागों में लोग जमा हो जाएँ कि
फॉर एंड अगेंस्ट, नो, इट इज़ कि ये एक ट्रेडिशन था और उस ट्रेडिशन के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न था उसका मैंने जवाब दिया है क्लियरली, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा लोगों को समझने के लिए साइंटिफिकली। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।